जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। जैसा कि जर्मनी फिर से अपनी वापसी कर चुका है, अपना प्रोजेक्ट जो हमारा इंडिया का था सबमरीन्स का प्रोजेक्ट 75I, जिसे हम P-75I के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जर्मनी आ चुका है। लेकिन एक बात है, जर्मनी ये डील लेना चाहता है, लेकिन जैसा कि जर्मनी की हालत है, जर्मनी की नेचर है या जर्मनी का स्वभाव है, वो हमें इससे पहले एक बार कुछ धोखा दे चुका है। वो धोखा क्या था? जोरावर लाइट टैंक का इंजिन्स हम जर्मनी से ही लेने वाले थे। ये देखिए, ये है हमारा जोरावर लाइट टैंक, और इसके इंजिन्स का डील हमने जर्मनी के साथ किया था, MTU कंपनी करके है जर्मनी की, उसके साथ किया था। लेकिन उसके चाइना से बढ़ते हुए रिश्ते और पता नहीं हमारा ग्रोथ देखकर वो डिले कर रहे थे इंजिन्स देने में। हमें 350 जोरावर टैंक्स की ज़रूरत थी, और ये इस टाइप के इंजिन्स आते हैं उसके, जो वो हमें देने में डिले कर रहे थे। अब भी जाकर उन्होंने अपना अप्रूवल फाइनल किया है कि हम लोग इंडिया को ये बेच सकते हैं या दे सकते हैं विथ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। लेकिन अब इंडिया इसे नकार चुका है, और इंडिया जाता है या अब सीधा सीधी जाना अमेरिका के इंजिन्स के साथ, कमिंस इंजिन के साथ, क्योंकि ये डिले एक छोटा डिले नहीं था, 350 टैंकों का डिले था हमारे लिए। ये हमें 350 लाइट टैंक्स चाहिए ही चाहिए अपने ईस्टर्न में, ईस्टर्न अपना जोन में जहाँ LAC है वहाँ पे चाइना के विरुद्ध, क्योंकि अपर टेरेंस में यही काम करेंगे। जो इंजिन्स इनके थोड़े हल्के थे, अच्छे थे, तो हमें इसका रिप्लेसमेंट मिल चुका है क्यूमिन्स की तरफ से, तो क्यूमिन्स का इंजन हम यूज़ करेंगे। जर्मनी जब अभी ऑफर दे रहा है और वापस बोल रहा है कि नहीं नहीं हमने आपको अप्रूवल दे दिया है इंजिन्स के लिए, लेकिन अब इंडिया इसके इंजिन्स नहीं ले रहा है और वो कमिंस के इंजिन्स पर ही आगे बढ़ रहा है। वापस से ये बात बताता हूँ कि जर्मनी वापस री एंट्री मारा है P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट में, जो कि वो पहले छोड़ चुका था, लेकिन अभी वापस से वो एंट्री मारा है। और अभी ये कह रहे हैं कि मुझे सब चीज़ आप लोगों को देने को हम तैयार हैं, मेड इन इंडिया करने को भी तैयार हैं, विथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द क्रिटिकल थिंग्स, क्रिटिकल चीज़ों के भी ये करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हमें 6 इलेक्ट्रिक सबमरीन्स चाहिए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, जिसके अंतर्गत हमें जर्मनी अपना टाइप 214 का हमको ऑफर दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा सबमरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये टाइप 214 जो सबमरीन है, ये उनकी सबसे बेस्ट सबमरीन है, जिसमें AIP सिस्टम लगा हुआ है, जो हम चाहिए हमको, और इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये पानी के अंदर डूबा हुआ 84 डेज तक रह सकता है, और ये 1300 फीट तक की गहराई तक जा सकता है। इसका टोटल वजन जो है 1690 टन का है, और इसका एक यूनिट का कॉस्ट हमको $330 मिलियन गिरने वाला है। लेकिन अब इसमें वो एक और चीज़ें क्लॉज जोड़ चुका है कि हम एग्रीड हैं हर एक चेंजेस और मॉडिफिकेशन करने के लिए, जो कि इंडियन आर्मी को चाहिए या इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने सबमरीन में चेंजेस करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वर्टिकल लॉन्च जो निकल रही हैं मिसाइल से, ये हमें चाहिए, और वो ये चेंजेस करने को तैयार है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी बोला है कि अगर हमको टू फ्रंट वॉर में जुड़ना है, या हमको 24x7 24 घंटे सातों दिन 365 दिन पूरे साल, अगर हमको इंडियन ओशन में, हमारा जो इंडियन ओशन है वहाँ पे हमको अपना प्रभुत्व बरकरार रखना है, तो उसके लिए हमको कम से कम 24 से 26 सबमरीन्स चाहिए रहेंगी दोनों, क्योंकि 13 इधर डाल देंगे, 13 इधर डाल देंगे, या 12 इधर 12 इधर, 12 वेस्टर्न फ्रंट में और 12 ईस्टर्न फ्रंट में, या 13-13 जैसा भी पकड़े। तो इसमें ये अभी हमारे पास टोटल 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 8 से 10 पुरानी हो चुकी हैं और 6 बिल्कुल नहीं है, तो हमारा काफ़ी रिटायरमेंट के कगार पर भी है काफ़ी सारे सबमरीन्स। तो इंडियन को सबमरीन्स की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए इंडियन ओशन में, और अपना दबदबा हरदम कायम रखने के लिए, क्योंकि हमारा थ्रेट दोनों तरफ से है, चाइना से भी है, पाकिस्तान से भी है, सामने से भी है, तो हमको वो मेंटेन रखने के लिए करना ही पड़ेगा। और इंडिया इसके लिए नए सबमरीन्स जल्दी से जल्दी ऐड करना चाहता है अपने बेड़े में, अपने फ्लीट में, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स भी होंगी और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी होंगी, जिसमें आयरन लिथियम बैटरी लगा रहेगा, प्लस AIP सिस्टम्स के साथ जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स आएंगी उनके लिए। तो ये सब चीज़ों में ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात आपको और बता दूँ, ये पहला डील नहीं है हमारा जर्मनी के साथ कि हम पहली बार उनसे कोई सबमरीन ले रहे हैं। 1980 में हमने उनसे टाइप 200
नौ क्लास का सबमरीन लिया था, दो हमारे इधर हमने लिया था उससे, तो ये पहली बार कोई डील नहीं हो रही है जर्मनी के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जर्मनी आज चाइना का पे डिपेंडेंट ज़्यादा है, और चाइना के वजह से हम में इतना जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट है इस पे डिले ना हो जाए या हम इसमें पीछे ना रह जाएं। क्योंकि मान लीजिए अभी जैसे आज उसने या एक हफ्ता पहले उसने ऑफर दिया कि ठीक है आपको हम इंजिन्स हमारा इधर से अप्रूव करते हैं जाने के लिए, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट कितना डिले हो गया। तो ये तो काफ़ी क्रिटिकल प्रोजेक्ट है अपना P-75I सबमरीन्स का, इससे हमारा प्रभुत्व जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए जर्मनी अभी दे रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या करने का है। जबकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भी बोला है और इंडियन नेवी ने भी बोला है कि हम ये चीज़ उन्हीं को देंगे ये ऑर्डर जो हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देगा और मेक इन इंडिया के साथ आगे बढ़ेगा। फिलहाल अभी अगर इस टेंडर में देखा जाए तो पहले बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, फ्रांस जुड़ा हुआ था, साउथ कोरिया जुड़ा हुआ था, स्पेन जुड़ा हुआ था, रशिया जुड़ा हुआ था, जर्मनी था, लेकिन इसमें से फ्रांस बाहर चला गया क्योंकि वो उसमें ये करना नहीं चाहता है चेंजेस, या उसका कुछ टर्म्स कंडीशन अलग थे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। साउथ कोरिया का अकेला बचा हुआ था, लेकिन उसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम थे, लेकिन AIP सिस्टम भी था, लेकिन वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा था प्रॉपरली। और एक और कारण था कि वो अकेला ही कंटेंडर बचा था जो इस उसमें था, P-75I प्रोजेक्ट में था, जब सभी छोड़ दिए थे। फिर वापस एंट्री होती है स्पेन की, जिसका S-80+ क्लास का सबमरीन्स है। रशिया भी था अमूर क्लास का सबमरीन्स, लेकिन वो कुछ चेंजेस करने को रेडी नहीं था, ना हमें कुछ नया चीज़ उसमें डेवलप करके या हमारा कुछ इंटीग्रेशन करने का वो दे रहा था, तो रशिया को भी हमने ने आउट कर दिया। अभी हमारे पास कंपटीशन में दो हैं, एक जर्मनी है Type 214 के साथ और स्पेन का S-80 है। तो मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन नेवी को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करना चाहिए कि किस पर जाएं, क्योंकि जर्मनी के पुराने तौर तरीकर देखकर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है। और जबकि S-80 क्लास जो है स्पेन की, वो भी सेम टेक्नोलॉजी के साथ आती है, सेम पावर उसमें भी है और सेम क्लास में आती है, उसका भी एक बहुत डेडली सबमरीन है। तो इंडिया को सोचना चाहिए, जापान भी है एक, लेकिन जापान आएगा नहीं इसमें क्योंकि उसको काफ़ी सारे अप्रूवल्स देने पड़ते हैं, क्योंकि वो कभी लड़ने वाला हथियार बेचता नहीं है, ये उसका एग्रीमेंट है US के साथ। तो ये सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि जापान आएगा भी, लेकिन हमें अभी बहुत अच्छे से डील को कंफर्म करना चाहिए कि ये डील हम स्पेन के साथ करें या जर्मनी के साथ करें। मेरे हिसाब से जिससे भी करें, बट टर्म्स कंडीशन क्लियर होने चाहिए और एक बार इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा अच्छा इवेल्युएशन या मेरे से ज़्यादा अच्छी सोच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रखते हैं और आर्मी के नेवी के पर्सन्स रखते हैं, उनको जो पसंद आए उस पर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि इंडिया को स्पेन के साथ जाना चाहिए या जर्मनी के साथ जाना चाहिए। अभी तक तो फिलहाल इतना ही था ये वीडियो में, ये जानकारी, इस पर मेरी नज़र है, आगे जो भी आएगा मैं जरूर से जरूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।